बॉडी बिल्डिंग के दो नियम है। पहला, पसीना बहाना छोड़ना मत कभी, और दूसरा, कभी इस पहले नियम को भूलना मत। तो हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर जेजूस फिटनेस लर्न अबाउट मसल्स। तो भाई आज होने वाला एक पॉडकास्ट विथ अ फेमस एथलीट जो है ओनली 19 इयर्स के, और वो उनका प्रोफेशन ही है बॉडी बिल्डिंग। सो आज का जो पॉडकास्ट है उसमें बहुत सारे मिथ क्लियर होने वाले हैं कि बॉडी बिल्डिंग लाइन में क्या होता है, कैसे ग्रोथ होती है और कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो हमारे साथ है आज नीलांश भाटिया हेरिटेज। कैसे हो भाई, ऑल गुड? तो भाई मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं बॉडी बिल्डिंग को लेके, तो वो आपको हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। बॉडी बिल्डिंग लाइन कैसी है, क्या होता है और कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं, पहला आप अपना इंट्रो दे दो भाई कि आप कहाँ से हो, क्या नाम है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम नीलांश भाटिया है, मैं अजमेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी एज 19 है और बाय प्रोफेशनल मैं एक बॉडी बिल्डिंग एथलीट हूँ। ओके। तो भाई मेरा पहला जो क्वेश्चन रहता है कि भाई तुमने इस फील्ड में कैसे एंट्री ली, कैसे घुसे, क्या सोचा कि इस फील्ड में मुझे जाना है, और घर वालों का क्या रिस्पांस था? एंट्री लेने का ऐसा कुछ था नहीं स्टार्टिंग से, मतलब बचपन से मुझे शौक था कि अच्छी फिजिक चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट घर वालों का उस टाइम पे इतना सपोर्ट था नहीं। घर वाले, मैं जब 12 साल का था तब मैंने जिम स्टार्ट किया था करना। okay. और तब घर वालों को मैंने बताया भी था कि मैं ऐसा वर्कआउट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो घर वालों ने ना एक बार मतलब उनको यहीं से पता लग गया कि मतलब इसको ऐसे ऐसे जिम जा रहा है, इस चीज़ का शौक है, जिम जा रहा है लेकिन सही नहीं है, सही नहीं तो है। मेरी मदर ने पापा ने सब ने मतलब मना किया इस चीज़ के लिए पहले तो स्टार्टिंग में। ओके। लेकिन मैं फिर भी उनको बिना बताया करता रहा 2-3 साल तक मैंने उनको बिना बताया चुपचाप। अच्छा, चुपचाप। हाँ, चुपचाप करता रहा सब कुछ। उसके बाद में फिर बीच में को थोड़ी सी मतलब इस चीज से हट गया था बिल्कुल ही। ओके, मतलब माइंड आपका डाइवर्ट हो गया था। डाइवर्ट हो गया था क्योंकि मैं उस टाइम पे स्कूल में था, तो स्कूल में दोस्त वगैरह थोड़े ऐसे मेरे साथ थे, तो जिन्होंने मेरे को उस टाइम पे मतलब वहाँ से हटा के अपनी तरफ लगवा दिया गलत चीज़ों के। अच्छा, गलत चीज़ों में लगा दिया। ओके, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे करते रहा थोड़ा थोड़ा, बीच में कभी जाता कभी नहीं जाता, कभी ऐसे दोस्तों साथ बैठा रहता, जिम बंक करता घर पे बोल के आता, घर पर चल गया था उसके बाद में कि जिम जा रहा है, तो घर वालों ने अलाउ कर दिया था कि हाँ भाई तू जा, तेरी बॉडी बनाते जो करना तू कर। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैं उस टाइम पे था 10th क्लास में। ओके। तो हुआ ये था कि मैं मेरे जो कोचिंग जाता था मैं 10th में, मेरे सर थे उनके पास में, तो वहाँ से मैंने बंक पढ़ना चालू करा, सब कुछ करना चालू किया। okay. कि दोस्त वगैरह में इतना लगा हुआ था, उन्होंने इतना इन्वॉल्व कर लिया था गलत चीज़ों के अंदर, तो ऐसे मेरी मदर ने उनको बताया ये सब कि ऐसे ऐसा आता है, मतलब आता नहीं है, निकलता है। okay. तो घर ने बोला कि आता नहीं है जिम पे, ठीक है, जिम पे आप कोचिंग पे आता नहीं। तो उन्होंने मेरे को फिर बैठ के बताया, मेरे जो टीचर थे, हमने जो ट्यूशन टीचर थे, कि तू एक काम कर, मेरे कोच हैं जिनके साथ मैं अभी ट्रेनिंग करता हूँ अधिराज सिंह राठौर, तो तू उनके पास एक बार जाके मिल, देखो आगे से करना ही है। पूछा था बैठ के पहले तो कि तेरे को लाइफ में करना क्या है क्या नहीं करना, तो मैंने उनको बताया सारा कुछ कि ऐसे ऐसे करना है, बट बीच में ऐसा ऐसा मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उन्होंने बोला एक बार तू जाके अपने कोच मतलब उनसे मिल अधिराज सिंह राठौर से, और देखो सही लाइन पर ले आएंगे। मैं उनके पास गया, उनसे नंबर लिया मैंने मेरे कोच का, मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने मेरे को बिठाया, पूछा मेरे से कि करना क्या है क्या नहीं करना। मैंने उनको स्टार्टिंग सारा कुछ बताया कि मेरे से ऐसे ऐसा स्टार्टिंग में किया है हमेशा से, और बिल्कुल ही मतलब बीच में मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बोले तो उन्होंने मेरे को बहुत कुछ समझाया कि ना ऐसा नहीं होता, अगर तुमको आगे कुछ करना है तो फिर एक लाइन पर लगना रहना पड़ेगा, तुमको माइंड अपना बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो मैंने उनसे बात बात स्टार्ट करी, फिर बात चली कॉम्पिटिशन खेलने की। मेरा स्टार्टिंग से तो कोई था नहीं कि मैं कॉम्पिटिशन खेलना है, मेरे को था सिर्फ मेरे को अच्छी लीन फिजिक बनानी है, मतलब लीन बॉडी चाहिए, लीन बॉडी चाहिए, जो आजकल के यूथ का सपना होता है एक लीन फिजिक, वो आपको चाहिए थी। ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को ना ऐसे लीन फिजिक चाहिए, उन्होंने बोला तुम एक काम करो स्टार्ट तो करो फिर अपन देखते हैं आगे। ओके। मैंने ठीक है, तो मैंने स्टार्ट की धीरे धीरे। तो मेरे को ना भैया क्या जो मेरे कोच हैं वो कॉम्पिटिशन खेलते थे, तो मैंने की ना फोटो वगैरह देखी थी, वीडियो देखी थी, मेरा ही मन करना मन स्टार्ट मन हुआ किया कि मेरे को भी करना चाहिए। तो फिर मैंने उनको बोला कि भैया मेरे को कॉम्पिटिशन खेलना है लेकिन मेरे को मैन फिजिक में खेलना है। ओके ओके, मैन फिजिक। हाँ, तो फिर भैया ने बोला कि मैन फिजिक खेल के क्या करोगे तुम, बॉडी बिल्डिंग करोगे क्योंकि तुम्हारी बॉडी टाइप जो है वो अच्छा मेरा बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से है कि बॉडी बिल्डिंग करो तुम। ओके ओके ओके। तो उन्होंने मेरे को बोला बॉडी बिल्डिंग, मैंने ठीक है भाई स्टार्ट करते हैं। फिर मैं धीरे धीरे स्टार्ट किया,
उस टाइम पे घर पे इतना था नहीं की ना ये जो इसमें एनाबॉलिक्स वगैरह यूज होता है एनहांसमेंट, पहले इसकी नॉलेज थी नहीं बिल्कुल, किसको भी पहले प्रोटीन ही था, सप्लीमेंट लेता था सप्लीमेंट, वो भी मैं घर वो भी नेचुरल बिल्कुल घर पे पता ही था उसको कि सप्लीमेंट वगैरह कुछ मतलब लेता है, ऐसा करता है, मैं बाहर लेता सब कुछ, मेरा सिर्फ एक प्रोटीन लेता था मैं और उसके अलावा कुछ नहीं लेता था। तो मैंने फिर वो लेना स्टार्ट किया, तो हुआ ये था कि ना भैया से मेरी बात हुई थी, भैया ने कहा था कि इसमें ऐसे ऐसे एनाबॉलिक्स वगैरह भी यूज होते हैं क्योंकि इसके बिना आप कंपीट नहीं कर सकते। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं घर पे आया, मैं घर पे बात करी घर वालों से, घर वालों ने मेरे को साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है शरीर खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि शरीर खराब ही होगा। तो फिर मैंने मेरे कोच को बताया कैसे घर वाला अलाउ नहीं कर रहे, फिर मैं मेरे कोच को मेरे घर लेके आया, उन्होंने बैठ के मेरे मम्मी पापा से बात करी, उनसे बात करी, उन्होंने समझाया कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, इसके प्रिकॉशन वगैरह सब कुछ लेकर चलना पड़ता है, तो उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो घर वाले ने मेरे से बोला तू करेगा कि नहीं करेगा पक्का कंफर्म कर, उसके बाद हम स्टार्ट करवाएं। तो फिर मैंने उनको बोला हाँ मैं करूँगा, तो घर वाले ने पूरा मेरा एक्सपेंस और जितना भी था सप्लीमेंट्स का, जिम का, भैया की फ़ीस का, और मेरे जितने भी न्यूट्रिशन वगैरह सारा कुछ होता है उसका सारा एक्सपेंस उन्होंने को दिया और बोला तू कर। ओके वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। फिर मैंने स्टार्ट किया था मिस्टर अजमेर के लिए, पहला कॉम्पिटिशन जब मेरा था, तो मैंने मिस्टर अजमेर के लिए कब था ये 2000? ये था 2018 के अंदर पहला कॉम्पिटिशन जब मैं था 16 साल का, मतलब 2018 एंड ही होने वाला था, 16 साल का था जब मैं, तो मैंने मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन खेला था मिस्टर अजमेर, तो उसमें मेरी थर्ड पोजीशन आई थी, वो भी मेरी कुछ गलतियां थी वैसे जिसकी वजह से थर्ड पोजीशन आई थी मेरी, नहीं तो मेरा आराम से गोल्ड था उसमें, लेकिन मैंने एंड मोमेंट में कुछ गलतियां की थी। उस टाइम भी भाई तुम फोकस थे या फिर उस टाइम भी माइंड डाइवर्ट कर रहे थे तुम्हारे जो फ्रेंड्स थे वो? एक्चुअली फोकस भी था और माइंड डाइवर्ट होता भी था लोगों की वजह से बीच बीच में, ये लोग थे कौन? जो मेरा थर्ड वो थोड़ा पर्सनल हो गया कि कौन था वो, थोड़ा पर्सनल। तो हुआ ये था कि मतलब एंड मोमेंट तक भी मैं इतना बिल्कुल चल रहा था कि मतलब कॉम्पिटिशन से 2 दिन पहले तक कि मतलब गोल्ड है मेरा, गोल्ड इतनी मेरी कंडीशन थी और सबको दिख रहा था गोल्ड है मिस्टर अजमेर मेरा। लेकिन हुआ ये था कि कॉम्पिटिशन से 1-2 दिन पहले वापस से वही मेरा माइंड उधर डाइवर्ट हुआ, कुछ बात हो गई थी जिस वजह से। एक्चुअली होता क्या है कि हम कॉम्पिटिशन से पहले ना वाटर ड्रॉप करते हैं, काफ वगैरह ड्रॉप करते हैं, करेक्ट। तो भैया ने मेरे को मना किया था कि पानी नहीं पीना 1 दिन पहले, और काफ तो मेरे 0 चल रहे थे। अच्छा। और काफ में कुछ नहीं खाना, सिर्फ प्रोटीन डाइट रहेगी जिसमें भी ना सिर्फ मतलब 1 दिन पहले तो वाटर बंद रहता था, 1 दिन प्रोटीन ही था, बाकी चिकन और ये प्रोटीन में चल रहा था मैं, उसके अलावा काफ बिल्कुल बंद थे और सिर्फ गुड फैट्स खा रहा था। तो उस जगह मैं जब माइंड डाइवर्ट हुआ वहाँ पे गुस्से मैंने क्या किया था कि मेरा कॉम्पिटिशन से 1 दिन पहले मैंने पेप्सी की एक बोतल वो पी गया था, और मेरे कोच को नहीं पता था ये बात, और उसके अलावा मैं बाहर के थोड़ा जंक फूड वगैरह खा लिया था, तो सॉल्ट बंद होता है तो जंक फूड मेरे को सॉल्ट मिल गया, तो भी मेरे को लगा कि मेरे बॉडी कुछ नहीं हुआ, और उस टाइम पर कुछ नहीं हुआ था बॉडी को। दूसरे दिन तक भी मैं जब मैं मेरे कॉम्पिटिशन खेलने गया, मैंने मेरा वेट दिया, मेरा वेट बिल्कुल ओके आया, सब कुछ ओके आया, कंडीशन में थी बॉडी, सब कुछ था। लेकिन उसके बाद हम करते काब लोडिंग, तो मैंने मेरे कोच को बताया था कि ना ऐसे ऐसे मैंने खा लिया है, तो उनको लगा सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, कंडीशन है, तो काब लोडिंग कराता हूँ वहाँ, क्योंकि काब ऑफ थे, पानी ऑफ था, ठीक है, तो उन्होंने काब लोडिंग करा दी। तो हुआ क्या, जो मैंने पहले खाया था वो और उसके बाद एक्स्ट्रा काब्स और जुड़ गए खा लिए, उसके अलावा मैंने जूस वगैरह पिया क्योंकि उनको लगा कि सॉल्ट बंद होगा, लेकिन सॉल्ट मैं खा चुका था पहले से, तो मेरी बॉडी में वाटर चढ़ गया और बॉडी स्पिल हो गई मेरी, तो तब भी ठीक था। उसके बाद भी मैंने ना मतलब टैन वैन मेरी बॉडी पे करा, उसके बाद मैं स्टेज पे गया मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगा। और जब मैं थर्ड प्लेस आया तो मेरे को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। तो मैं स्टेज से नीचे आया तो मेरे कोच ने मेरे को डांटा कि क्या किया तुमने, तो मैंने क्यों क्या हुआ, मेरे को खुद को नहीं पता चला कि क्या हुआ। नहीं तुम्हें तो पता था भाई, लेकिन कोच को नहीं पता था। मुझे ये पता था कि मेरी बॉडी दिख रही है, इसके बाद मैं स्टेज कंडीशन ऑन पॉइंट है, मेरे को दिख रहा था, लेकिन स्टेज के बाद जब नीचे आया ना मैं, तो मेरे कोच ने बताया कि ना देख फोटो देख तेरी। तो मैंने जब मेरी फोटो देखी इसमें मैं फ्रंट में वैसा मार के मैं स्टेज पर खड़ा हुआ था और मेरी बॉडी सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन मेरा जो पेट था वो ब्लोट हुआ, ब्लोट हो रहा। ओके अच्छा। तो मेरे पूरे एब्स गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया, उस वजह से मैं थर्ड पोजीशन लगी। ओके। उसके बाद मैं बहुत रोया, फिर रोने के बाद में वापस से मैंने तैयारी चालू करी, 1 साल का गैप देखा, मैंने 1 साल बिल्कुल बंद कर दिया था वापस से इसी चक्कर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, इसमें खर्चा वगैरह बहुत होता है, तो मैंने बीच में बंद कर दिया था। तो फिर मैंने वापस से चालू किया, तो भैया और मैं रात को साथ में ट्रेनिंग करते थे, उसके बाद में उन्होंने बात बात स्टार्ट करी कि ना भाई ऐसे करेंगे अगली बार से थोड़ा ध्यान रख के चलना, फोकस होकर चलना, लेकिन वही वापस जो पहली चीज़ थी मेरी लाइफ में वापस आगे तक चल रही थी वापस से। और मेरे को भैया ने बहुत समझाया, उनको पता है मेरे बारे में कि क्या चल रहा था, क्या चल रहा था, तो मेरे को बहुत समझाया। लेकिन होता है कि भैया के बाद मैंने सुन ली, एक दिन
एक हफ्ता अच्छा चला। वो एज ऐसी होती है कि अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, सुनते नहीं किसी। अच्छा चला, मैं एक हफ्ते बाद में वापस से वही चीज़। तो भैया ने मेरे को एक दिन हुआ क्या था, हम जिम में रात को ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मेरे को एक मतलब एक लड़का है, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, तो उसकी क्या है, वो भी प्रेप पे था उनके अंडर ही, वो ऐसे ऐसे हरकतें करता था कि मतलब समझ गया कुछ भी खा लिया कुछ भी कर लिया। आप समझ जाओ हरकतें कैसी, तो आप समझ सकते हो, समझदार। एक दिन मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था, मेरे को भैया ने बीच में एकदम बोल दिया उनको, मतलब उसका वो लेके कि तुझमें और उसमें कुछ फर्क नहीं है। जिम पे सब लोग थे, मतलब बहुत मतलब भीड़ हो रही थी, उसके मेरे को बोल दिया, मेरे को बहुत मतलब वो बात चुभी थी, मैं जिम पे रोने चालू हो गया था, मेरा इतने मतलब इमोशनल हो गया था उस बात को सुन के। मैं फिर मैंने भैया बोला, भैया एक बार मैं करके दिखाऊंगा। फिर मैंने अच्छे से पूरी तैयारी करी, सब कुछ करा, बिल्कुल ऑन पॉइंट किया सब कुछ, और मैंने वो नेक्स्ट कंपटीशन में मेरा मिस्टर जमेल का ओवरऑल टाइटल निकाला। ओ भाई, वेट में गोल्ड था और ओवरऑल टाइटल भी था। यही है। तो भाई बॉडी बिल्डिंग क्या है, बॉडी बिल्डिंग सिर्फ माइंडसेट का गेम होता है। अगर आपका माइंडसेट ऑन पॉइंट है, डाइट ऑन पॉइंट है, तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो भाई यही थी, और सबसे मेन चीज़ होती है मेंटर जो होता है वो मेन होता है। तो जो उनके मेंटर थे वो थे हदिराज सिंह राठौर, जो एक एथलीट है, प्रोफेशनल एथलीट है। तो भाई मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है भाई, आजकल बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि नेचुरल एथलीट की बॉडी बेस्ट होती है, इन्हेंस्ड की बॉडी अच्छी होती है, क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो ये बोलता है कि जो इन्हेंस होते हैं वो अंदर से ख़त्म होते हैं और जो नेचुरल होते हैं वो दमदार होते हैं, ऐसा क्यों? देखो, ख़त्म होते हैं ऐसा कुछ नहीं, ख़त्म होता है, होता यह है कि नेचुरल जो जिसकी बॉडी है वो भी अच्छी बनती है, ऐसा नहीं कि नेचुरल की बॉडी बनती नहीं है। ओके, लेकिन होता क्या है, जिसको कम्पीट करना है उसको एनाबॉलिक लेना ज़रूरी, क्योंकि आप नेचुरल होके वो लेवल पे नहीं कम्पीट कर सकते, उनको टक्कर नहीं दे सकते कहीं पे भी। ओके, तो आज और जो बात है कि अंदर से ख़त्म है, वो होता है एक्चुअली ये है कि उनमें हम लोग जब प्रेप पे होते हैं, हमारा कटिंग फेज होता है, उसमें हमारे पे फूड में इतना वो हो जाता है चेंजेस कि हमको जीरो कार्ब्स पे रहना पड़ता है, सॉल्ट बंद करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, हमें एनर्जी इतनी नहीं रहती। आप किसी भी स्टेज पे जो बॉडी बिल्डर खड़ा है उससे जाके पूछोगे ना कि भाई तू कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा वेट खा दे, ऐसा करके दिखा दे, हमको नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसको स्टेज पे हमको पोजिंग करने में बॉडी उतनी कैपेबल नहीं होती उस टाइम पे, हमको पोजिंग वगैरह करने में इतनी दिक्कत हो जाती है। तो उस चीज़ को बस वो होती है एक चीज़, उसके अलावा बहुत जान तो होती है, जान होती है। ओके ओके ओके, क्योंकि आजकल के जो यूथ है वो तो आजकल एनाबॉलिक्स की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि सबको आजकल बॉडी चाहिए एकदम वेल, फिजिक चाहिए उनको कि दिखाना है। तो क्यों हो रहा है कि आजकल यूथ क्यों बढ़ रहा है, एनाबॉलिक्स भेड़ चाल है कि आज जैसे मैं हूँ, आज मुझे कोई नया बच्चा देख के बोल रहा है कि मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं जिम पे बैठा हूँ, जिम पे मैं मेरे वर्कआउट से पहले कुछ टैबलेट वगैरह ले रहा हूँ, तो वो ये चीज़ देखा कि वो कि ये बंदा वो गोली खा रहा है, वही नहीं है कि गोली का नाम क्या है, नीली रंग की गोली है, कहीं पे जाएगा किसी को भी जिम सप्लीमेंट वाले स्टोर को बोलेगा आजकल एनाबॉलिक कहीं पे ही मिल जाता है, वो बोलेगा कि वैसे नीली गोली आती है वर्कआउट से पहले खाते हैं, उसको कुछ भी दे देगा वो खा लेगा। अच्छा, कि बस उसको लगता है कि वो खाने से बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके अलावा न्यूट्रिशन वगैरह भी, अपनी स्लीप पैटर्न और डाइट, ये सब चीज़ें मैटर करती है, डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग लाइन में घुस रहे हो तो डिसिप्लिन जो है वो बहुत मैटर करता है। तो आज एक और बात उठती है, बहुत कॉमन बात है कि डब्बे वाली बॉडी, तो इसका क्या सीन है? अब डब्बे वाली बॉडी बोले तो लोगों को लगता है कि डब्बे में स्टेरॉइड है। अच्छा, हाँ ये लगता है, बहुत लोगों को लगता है, पेरेंट्स को लगता ज़्यादा था, बच्चों के पेरेंट्स को लगता है कि जो पाउडर आता है इसमें ना बच्चा शरीर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, वो सिर्फ एक प्रोटीन है जो कि मिल्क से बना है, रॉ मिल्क से बना है, उसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं होता। वो आज मैं बताता हूँ, मैं घर पे मेरी मदर भी वो वेट प्रोटीन यूज करती हैं। ओ, वो जो नाइस। वो जो डब्बा है ना वो मेरी मदर भी यूज करती है, मेरे फादर भी यूज करते हैं, मेरा ब्रदर भी यूज करता है, सब लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो आजकल की जो अपनी डाइट है, इंडियन डाइट है, उसके अंदर अपने को इतना प्रोटीन नहीं मिलता, ज्यादातर तो कार्ब्स ही मिलेगा, कार्ब्स मिलते हैं, राइट, करेक्ट। तो इतना प्रोटीन आपको नहीं मिलता, वो प्रोटीन जरूरी है, सही बात है। तो वो प्रोटीन कम्प्लीट करने के लिए आपको डब्बा तो खाना पड़ेगा। तो भाई आजकल के जो डॉक्टर्स है वो भी सजेस्ट करते हैं प्रोटीन को, कि भाई प्रोटीन इनटेक करो, क्योंकि आजकल जो फूड आ रहा है ना मार्केट में वो अच्छा फूड नहीं आ रहा है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स या कुछ भी मिक्स आता है, जो बॉडी एब्जॉर्ब करती है उससे रिएक्शंस होते हैं। तो प्रोटीन जो आप बोलते हो डब्बे वाली बॉडी, जो डब्बा है वो प्रोटीन है, वो रॉ मिल्क से बना है, जो आपको भी इनटेक करना चाहिए, एक बेसिक नीड होती है बॉडी की प्रोटीन इनटेक करना। तो डब्बे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेकार है, जो भी बोलता है उसको कुछ भी पता नहीं होता है इसके बारे में, तो ये चीज़ मत ही बोले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था जब तुमने पहली साइकिल चलाई थी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े थे, क्या चीज हुई थी, वो सब चीज जाननी है। हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो मेरे कोच है उनकी गाइडेंस में मैं स्टार्टिंग से रहा हूँ। मेरे को पॉइंट टू पॉइंट सब बताया है कि क्या चीज़ कैसे करनी है, कब क्या खाना है, किसका क्या प्रिकॉशन रहता है, क्या okay. नहीं रहता। तो मुझे आज तक कभी कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह या कुछ भी मेरे को झेलने को तो कभी मिले ही नहीं है। ओके ओके, स्टार्टिंग से कभी नहीं है। मैं लोगों को देखता हूँ कि इनको ऐसे ऐसी दिक्कतें हो रही है शरीर में, किसी को रात को नींद नहीं आ रही, सेक्स पावर कम हो रही है, किसी कम हो रही है, किसी की ना रात को नींद नहीं आ रही, किसी को हार्ट बीट तेज हो रही है, ये सब दिक्कतें आती है, सो नहीं पाता बंदा, सो नहीं पाता बंदा, राइट। तो वो चीज़ इसलिए है क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं है, उनके पास में प्रिकॉशन इनको पता ही नहीं, वो खाना क्या है, क्या नहीं करना, क्या वाइटामिन्स है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ किसको रोकेगी, उनको कुछ नहीं मालूम। okay. ऐसे मुझे स्टार्टिंग से कुछ तो रहा नहीं है वैसे। और बाकी बात रही कि ये सब जो बोलते हैं लोग, बाकी ना ये सब नहाने से ऐसे ऐसे दिक्कतें होती हैं, वो होती है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है और आप किसके अंडर हो। पहले मेन चीज़ तो ये है कि आप अच्छी गाइडेंस में आओ, उसके बाद में ये सब चीज़ स्टार्ट करो, वरना कोई मतलब नहीं। तो आपको फिर वही है कि आप ना कभी भी हॉस्पिटल में दिखोगे किसी ना किसी को। हाँ, आजकल के जो होते हैं ना यूथ जो होता है वो क्या करता है, देख लेता है भाई इंजेक्शन अच्छा लगेगा मैं भी लगा लेता हूँ। तो भाई यही होता है, बॉडी बिल्डिंग जो है वो अच्छा गेम है, बहुत अच्छा गेम है। अगर आप किसी के अंडर अपनी ट्रेनिंग करते हो तो अच्छा बंदा ढूंढो, अच्छा ट्रेनर ढूंढो। जैसा एक लांच मुझे ट्रेन करता है, खुद भी बहुत सारी चीज़ें मैं से सीखता हूँ। और बॉडी बिल्डिंग ऐसी लाइन है जो सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। तो बस यही था, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई नेचुरल बॉडी बनाई जा सकती है या नहीं, या एक टाइम के बाद आपको एनाबॉलिक्स पे आना ही पड़ेगा? डिपेंड करता है, अगर आपको कंपीट करना है तो आपको एनाबॉलिक्स पे आना पड़ेगा। ओके ओके। और नेचुरल बॉडी बनाई जा सकती है, बहुत मतलब अच्छे से बना सकती है और सुंदर बॉडी बन सकती है बनाने को, लेकिन इसमें चाहिए पेशेंस, पेशेंस, टाइम, पेशेंस और टाइम। और अगर आपको कंपीट करना तो एनाबॉलिक्स जरूरी है। एनाबॉलिक्स बहुत जरूरी है। नेचुरल होकर जो लोग एनाबॉलिक्स यूज़ कर रहे हैं उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन आजकल जो कंपटीशन हो रहा है नेचुरल एथलीट्स के लिए, आप उसमें नेचुरल होकर कम्पीट कर सकते हो। जस्ट लाइक कौन सी फेडरेशन में, HSF हो गई एक तो। हाँ, HSF हो गई। HSF, उसमें आप कम्पीट कर सकते हो, बस कम्पीट कर सकते हो। ओके, नाइस। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भाई आजकल के जो मार्केट है उसमें दो स्टेरॉइड्स बहुत फेमस हो रहे हैं और वो बहुत लिए भी जा रहे हैं, हर जिम में यूज हो रहे हैं, एम्प और टर्मिन। तो ये इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो चीज़ जानना चाहते हैं। एडवांटेज तो उसमें कुछ भी नहीं है। ओके। सारे डिसएडवांटेज ही है, क्योंकि होता क्या है कि एक्चुअली ये लोग जो यूज़ कर रहे हैं टर्मिन और एम्प, वो एम्प जो है वो टर्मिन ही है एक तरीके का, जो okay. कि हॉस्पिटल लाइन में इन सब चीज़ों में यूज़ होता है पेशेंट्स को, जो अपने जिनका हार्ट की दिक्कत होती है, इनका हार्ट एकदम से पंप स्टार्ट करने के लिए हार्ट में, उसके लिए होता है। तो लोग उसको इसलिए लगाते हैं कि जिम से, मैंने बहुत लड़कों को देखा है जिम से पहले, वो इसलिए लगा रहा है उस चीज़ को कि उनको लगता है इसको लगा के एनर्जी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें उसके बॉडी के सारे पोटेशियम वगैरह जितने मिनरल्स है वो सारे फ्लश आउट हो जाते हैं बाई यूरिन। तो क्रैम्प आना और सर भारी हो जाना, गुस्सा करना, बहुत दिक्कतें होती है। तो उन लोगों को लगता है कि बस मैं बस पावर आ गई हमें, तो वो पावर नहीं है, वो आपके दिमाग में एकदम से ब्लड फ्लो इतना बढ़ाया जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि बस एकदम से आप एक तरीके से जैसे सांड की तरह, खुले सांड की तरह जाते हो, कि बस एकदम से फोकस बढ़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है, और कुछ भी नहीं, खराब चीज़ है। मैंने सुना है एम्प जो है वो घोड़ों के लिए यूज़ होता है मेन। हाँ, जो घोड़े जिनका रेस वगैरह होता है उसमें एम्प यूज़ किया जाता है। एम्प यूज़ किया तो उसकी पावर कब तक रहती है? पावर उसकी रहती है आधे घंटे की, आधे घंटे के उसके लिए रहती है वो। ओके, क्योंकि आजकल के हार्ट अटैक्स का जो रेशियो है वो बढ़ रहा है एम्प और एम्प की वजह से। कोई बच्चा, छोटा बच्चा भी एम्प यूज कर रहा है आजकल, क्योंकि सप्लीमेंट स्टोर वाले इतने ऐसे हैं वो खुलेआम बेच रहे हैं आराम से। तो भाई उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और या नहीं? एम्प भी नहीं देते कोई। ओके, वो उसमें मिलावट होती है, टर्मिन मिलावा मिलेगा सारी जगह। अच्छा, ओके। तो वो सही नहीं है बॉडी के लिए, ना एम सही है ना टर्मिन सही, दोनों ही सही नहीं। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम ही है दोनों ही तरीके से ऑलमोस्ट। ओके, नाइस। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाई मैं जानना चाहता हूँ कि अगर बॉडी बिल्डिंग एज अ करियर कोई चुन रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी, और कोई अगर करियर बनाना चाहता है तो वो क्या करे? मैं मेरे उससे कहूँगा तो पहले उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसकी इनकम क्या है। ओके, सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, सोर्स ऑफ इनकम कितनी है और कब तक कर सकता है उस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग के 6 महीने तो पहले अच्छे से बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपकी बॉडी फिजिक सबको अच्छी हो चुकी है, उसके बाद आपने कम्प्लीट भी कर लिया, फिर आप एंड में आकर छोड़ देते हो। ओके ओके। तो वो चीज़ नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा के लिए कर सकते हो,
जिंदगी भर कर सकते हो जब तक आपकी मतलब है हिम्मत, तब तक कर सकते हो, तो आपको इस लाइन में आना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, अपना शरीर खराब कर रहे हो। आजकल YouTube पे ट्रेंड चल रहा है कि बॉडी बिल्डिंग को सब ऐसे समझ रहे हैं कि मत करो बॉडी बिल्डिंग। मैंने बहुत वीडियोस देखी है उस पर, लोग ये बोल रहे हैं कि क्यों जाना तुम्हें बॉडी बिल्डिंग में, कुछ भी नहीं है। और आजकल जो शो होते हैं वो पैसा कमाने के लिए होते हैं, ऐसा क्यों? डिपेंड करता है आप शो कौन सा खेल रहे हो। ओके ओके। जैसे कि आज मेरे को ऐसा है कि मेरे को सिर्फ गवर्नमेंट से जो ऑथराइज शो है वही खेलूंगा मैं। क्यों? क्योंकि उसमें आगे जॉब वगैरह सब कुछ है। अच्छा ओके। जो फेडरेशन से मैं खेल रहा हूँ अभी, इसमें आगे जॉब वगैरह भी है, जैसे रेलवे में है, राजस्थान पुलिस में, इनकम टैक्स में है, बैंक के अंदर, उसमें आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ नेशनल से खेलना है, और नेशनल सिर्फ खेलना है, या फिर उसके अंदर भी आपको अपने वेट कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज सिल्वर या गोल्ड मेडल मारना है वेट कैटेगरी के अंदर। अच्छा, अगर आपका उसमें लगता है तो आपको आगे जॉब मिलेगी, वैकेंसी वैकेंसी से। ओके, तो इसमें जॉब मिलेगी। ओके, तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रेप में कितना खर्च आता है? डिपेंड करता है कि किस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो और आपके पास टाइम कितना है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 महीने, हाँ, तो उसमें कितना खर्चा आएगा? और अगर कोई बिगनर स्टार्ट करना चाह रहा है प्रेप करना, तो उसमें कितना खर्चा आएगा? कम से कम भी बिगिनर स्टार्ट कर रहा है, छोटी सी प्रेप बता रहा हूँ मैं, छोटा मोटा खर्चा जितना होता है कम से कम 30 से 40 हज़ार होता है। 30 से 40 हज़ार एज अ बिगनर, जो बिगिनर ओके स्टार्टिंग से, मतलब उसका खर्चा भी मतलब थोड़ा कम है और कॉम्पिटिशन छोटा खेलना है, इतना टाइम है, तो छोटी बॉडी है, छोटी मतलब उसका बॉडी वेट तुम देख लो कि 50-60 किलो का लड़का है। ओके, ओके, उसको तैयारी करनी है, तो इतना ही खर्चा रहता है मिनिमम। और एज अ प्रोफेशनल एट जो तुम हो, तुम्हारा कितना खर्चा बैठता है? मेरा खर्चा बैठता है, अगर फूड को काउंट करें, सब कुछ काउंट, सब कुछ काउंट करके, सप्लीमेंट्स, साइकिल, तो महीने का कम से कम 1 लाख 10 हज़ार रुपए। मैं कम से मतलब राउंड फिगर 1 लाख तो रुपए चाहिए एक प्रेप के अंदर। मेडिसिन वगैरह, फूड्स, सप्लीमेंट्स, उसके अलावा वाइटामिन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कम से कम 25-30 तरह के तो वाइटामिन लेने पड़ते हैं कि बॉडी को कोई दिक्कत ना हो, अपन एनाबोलिक्स यूज़ कर रहे हैं उस चक्कर में। ओके ओके भाई, उसमें कम से कम महीना खर्चा 20,000 तो उसी में निकल जाता है, और सप्लीमेंट खर्चा कम से कम 20-25 हज़ार हो गया आपका, और एनाबोलिक्स वगैरह लेके चलो, अच्छा प्रोफेशनल जो कर रहा है एथलीट, उसका कम से कम 70-80 हज़ार रुपये तो रहता ही रहता है। ओके, आजकल मार्केट में बहुत फेक एनाबोलिक्स आते हैं, तो उससे यूथ मतलब कैसे डिफाइन करेगी ये एनाबोलिक्स अच्छा है या फिर ये एनाबोलिक बेकार है? आजकल एक नई चीज़ आ गई है, अमेजोन में मिलता है वो, अगर आप कहीं से भी कुछ चीज़ खरीद रहे हो तो पहले तो उसको एक्चुअली उसमें क्या बारकोड होता है, ओके, वो स्कैन करो, और आजकल एक चीज़ और आ रही है कि बारकोड भी आजकल नकली बन रहे हैं, आप स्कैन भी कर लो आपको पता ही चलेगा कि सही बात है क्या। सही बात है गाइस, तो आप बारकोड करके स्कैन करके पता ही ना सकते, इसलिए एक अमेजोन पे एक चीज़ मिल रही है, साइकिल टेस्ट करके नाम है उसका। ओके, उसमें एक बॉटल मतलब लिक्विड आता है एक बॉटल के अंदर, तो उसमें करना जो आप एनाबोलिक यूज़ कर रहे हो उसमें साथ में एक चार्ट आता है पूरा। ओके, तो उसमें पूरा रेशियो होता है, पूरा नंबर होता है और कलर्स होता है। ओके, तो अगर उसके अंदर क्या होता है कि आप सिरिंज के अंदर जो अपना मेडिसिन जो जितना भी कुछ है वो भर के उसमें 20 अपने को ड्रॉप डालने पड़ते हैं, अगर उसका कलर बिल्कुल डार्क रेड आता है उस चार्ट के हिसाब से, इसका मतलब आपका एनाबोलिक असली है। ओके, और उसकी पोटेंसी अच्छी है, और बिल्कुल अगर येलो कलर और बिल्कुल लो नंबर आता है तो उसको नकली है वो, तो उससे आप पता कर सकते हो। ओके, तो अमेजोन पे आता है गाइस, अगर टेस्ट। क्या नाम है इसका? साइकिल टेस्ट। साइकिल टेस्ट, तो भाई कभी भी आप अगर एनाबॉलिक्स लेते हो तो वहां से आप जाके अमेजोन पे जाके साइकिल टेस्ट पे वहां से आप चेक कर सकते हो वो ओरिजिनल है या नहीं है। वैसे तो किसी को लेना ही चाहिए खुद के उससे, वैसे तो गाइस अगर हाँ आप अंडर गाइडेंस ही लेना चाहिए आपको, अगर आप एथलीट हो या बिगनर हो तो आपको नहीं लेना चाहिए ऐसे, तो अंडर गाइडेंस ही आप ट्रेन करो खुद को, अंडर गाइडेंस ही आपको कि आपके लिए बेटर है और आपकी फैमिली के लिए बेटर है। तो भाई आजकल एक और क्वेश्चन होता है लोग बगोगा कि मास्टरबेशन, मास्टरबेशन इज गुड और बैड? बैड। बैड, वो क्यों? मसल लॉस। मसल लॉस, आप एक दिन तो आप जैसे मंडे को आप जिम गए, आप जिम पे है ना बहुत अच्छा खासा लिफ्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ओके, और उसी रात को आप मास्टर करके दूसरे दिन जिम जा रहे हो, उतना कुछ कर ही नहीं सकते, लिफ्ट नहीं कर सकते, बाकी मसल की रिकवरी जो टाइम होगा जो होगा वो बिल्कुल कम ही हो जाता है। ओके, आपका मसल ग्रोथ तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आप जहाँ पे हो वहीं रह जाओगे, उसके बाद आप ग्रोथ नहीं कर सकते बॉडी की। ओके ओके, नहीं आजकल भाई बहुत यूट्यूब पे वीडियो की मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ, गूगल पे भी डला हुआ है, वैसे देखा था कि मास्टरबेशन एक अच्छा है मतलब हेल्थ के लिए अच्छा होता है, यानी ऐसा। तो एज अ बॉडी बिल्डर
अच्छा नहीं होता है। अगर आप एक्सपीरियंस किया है मुझे, तो मैंने खुद ने देखा है ये चीज मेरे साथ में कि बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए ये सब चीजें। तो गाइस आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपको मसल गेन करना ही है, तो इस चीज पर ध्यान देना ही चाहिए बिल्कुल भी। ओके, तो गाइस ये पॉइंट टू भी नोट कर लेना कि मास्टरबेशन, अगर आप बॉडी बिल्डिंग खेलते हो, आप एथलीट हो, तो आपको आपका जो आपको मास्टरबेशन नहीं करना है, इट्स नॉट गुड फॉर यू। ओके, सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई आपकी जो फर्स्ट जो प्रैप थी, फर्स्ट प्रैप थी, अभी तक का आपने कितनी मतलब कॉम्पिटिशन खेले हुए, कौन कौन से कॉम्पिटिशन खेले हुए? मैंने जूनियर मिस्टर इंडिया खेला है। ओके, मैं टॉप फाइव रहा था, टॉप फाइव। और मैंने क्लासिक बॉडी बिल्डिंग था मिस्टर आयसम खेला है। ओके, जिसमें मेरी थर्ड प्लेस आई थी। और मैंने मिस्टर आयसम खेला जूनियर, जिसमें मेरा सिल्वर रहा है, okay. एक बार गोल्ड भी रहा है। ओके, वेट कैटेगरी के अंदर। और मैंने मिस्टर जूनियर में ओवरऑल टाइटल निकाला है एक बार ब्रोंज मेडल रहा है, एक बार गोल्ड रहा है। क्या बात है, यही रहा है। तो आप पावर लिफ्टिंग भी खेलते हो या फिर? पावर लिफ्टिंग मैंने बीच में स्टार्ट की थी, अभी इसमें मेरे हर मतलब इसमें कंपटीशन में गोल्ड रहा है। पावर लिफ्टिंग क्यों स्टार्ट करी, मतलब बॉडी बिल्डिंग से फिर पावर लिफ्टिंग में? ये था कि मैं अभी मेरा ऑफ सीजन चल रहा था। ओके ओके, ऑफ सीजन में मैं सोचा कि कुछ नया करते हैं, मतलब वेट वाला मैं लिफ्ट कर ही लेता हूं, तो कंपटीशन खेलते हैं। ओके, तो मैंने स्टार्ट किया, बट ऐसा नहीं बोलूंगा कि पावर लिफ्टिंग मतलब खराब है, ऐसा कुछ है, अच्छा है, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि उसमें इतनी इंजरीज वगैरह है, सब कुछ है कि आप नहीं झेल सकते, नहीं झेल सकते। राइट, सही बात है। आपको रोज इतना रेपिटेशन खींचना है, सब कुछ करना है, रोज इतना हैवी लिफ्ट करना है हर डे, और आपको बॉडी को इतनी रिकवरी मतलब मिल ही नहीं पाती, मिल ही नहीं पाती वापस से कर सको, तो आपको रेगुलर करना, आपको इंजरी होनी ही होनी है उसमें। तो गाइस ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि एक इंजरी मेरे साथ खुद के साथ ही हुई है, कुछ टाइम एक हफ्ता पहले ही हुई है और इसी जिम में हुई है, तो मैं मेरा 2 महीने का रेस्ट है उस चीज का। तो पावर लिफ्टिंग इज नॉट इजी, जो लोग बोलते हैं कि भाई पावर लिफ्टिंग इजी है, वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत हार्ड है, बहुत बहुत हार्ड है। तो भाई हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि तुम अपना फ्यूचर कहाँ देखते हो, मतलब किस लेवल पे देखते हो? मुझे तो फिलहाल अभी तो मैं जो जिसकी प्रैप मैंने स्टार्ट करी, मैं ऑन प्रैप में हूँ, okay. मेरा बिगिनिंग फेज चल रहा है, तो अभी मैं जिसके लिए प्रैप कर रहा हूँ वो तो मैं बता सकता नहीं हूँ ऐसे। ओके ओके, बट मैंने आगे तो सोचा हुआ है कि मेरे को मेरी जो अभी चल रही है जूनियर एज चल रही है, okay. तो मेरे को जूनियर के अंदर आगे वर्ल्ड तक खेलना है, वर्ल्ड तक खेलना है, मतलब इसी में करियर बनाना है, इसी में बनाना है, और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इसी चीज़ में करियर बनाना है। ओके, तो भाई आज का जो था पॉडकास्ट वो यही था, और आपके जो मिथ्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं फिर एक नई वीडियो लेके आऊँगा आपके साथ। हमारे साथ है नलांश भाटिया, जो है ओनली 19 इयर्स के, और इनकी फिजिक मैं आपको दिखा दूँगा, जो उनकी ओवरऑल फिजिक थी, ओवरऑल टाइटल जो उन्होंने मारा था अजमेर के अंदर, वो आपको मैं शो कर दूँगा। तो भाई यहीं एंड करते हैं आज के पॉडकास्ट को, पसंद आया हो तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब, और भाई ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, और मैं ऐसे ही पॉडकास्ट लाता रहूँगा, आपको ऐसे एंटरटेन करता हूँ। चलो भाई, थैंक्स टू मीटिंग यू, आपने अपना टाइम निकाला, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बूम बाम।